हाँ, हमारा से बिना बूझत राजपूत, ये छोटका राजपूत सब। अच्छा, ये पता कैसे चला? पता चला सर, हम हमारा मामा गांव अथी है, नियाजीपुर है, मामा वहीं पर। गुड़ला का तनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। ई हृदय विदारक घटना बटू, एगो अभागी ने 11 साल तक तप करत रहल कि ओकर दुल्हा ले जे। एगो लड़की के लेके अपन परिवार के जीवन पोषण करत रहल हिया, लेकिन एसपी साहब की यहाँ पहुँचल बाड़ी गुहार लगैले बाड़ी, गुहार लगैले बाड़ी कि साहेब हमार मरद दूसर का ब्याह करत आ रुकवाई। खबर का बटुए विस्तार से जानी। बीएफए के दिने जिला के पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह के कार्यालय में जिला से तमाम फरियादी पहुँचलन। यही दौरान एगो बच्चा के लेके पीड़ित महिला एसपी सहित मीडिया के जरिए गुहार लगैली। महिला कहली कि उनकर शादी 2007 में भई, 2009 में गावना भइल, आ एकरा बाद एगो बच्चा भी बटुए इनका से, एगो लड़की भी बटुए, लेकिन एकरा बावजूद ओकर मरद परिवार वाला राखे के तैयार देखल, जेकरा कारण ओकरा सामने तमाम तरह के समस्या खड़ा हो गई बा। उ अपना माई के यहाँ रह के कोनो तरह अपन जीवन बसर करती है। जानकारी के अनुसार यह मामला में पहले ही महिला थाना में मामला दर्ज कइल जा चुकल बा, लेकिन एकरा बावजूद पुलिस के तरफ से कोनो कार्रवाई नहीं कइल गई, जेकरा कारण फरियादी के एसपी के दरबार में इनका पहुँचे के पड़ रहा बा। एह तरह के मामला के जल्दी सुलझा लेवे के चाही, काहे से कि महिला के पीछे एगो बच्चा के भविष्य के साथ साथ एगो परिवार उजड़ रहा बा। हालांकि महिला के पीड़ा सुनला के बाद बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह मामला में तुरंत कार्रवाई के बात कहले बानी। वो जे फरियाद लेकर पहुँचल कार्यालय के सब लोग के समस्या सुन के पुलिस कप्तान मामला में कार्रवाई के साथ साथ समाधान के आश्वासन दिले बानी। ई महिला रोवत रोवत कहीं हैं बतई हैं अपन दर्द के दास्तान, बतावत तारी कि 2009 से लेके आज तक हम इे तप में बानी कि हमारे दुल्हा हमरा के ले जाइए, लेकिन दुर्भाग्य बा कि आज समाज में लड़की कौना तरह से प्रताड़ित हो तारी एक जीता जागता नमूना देखे के मिलता। पैर से दिव्यांगी लड़की दर दर के ठोकर खातारी, दर दर के केहू के छिपा मांझ के, केहू के घर द्वार मांझ के काम चलावतारी। आज स्थिति ई बा कि इनका सामने भूखमरी के स्थिति बा। लड़की के जैसे तैसे पोष पाल के बड़ा कैले बाड़ी ताकि परिवार के लड़की के इनकर खर्चा निकल सके। रौरा सामने जौन दृश्य दिखता बेचारी पैर से दिव्यांग महिला कह तारी कि 23 तारीख के हमार मरद ब्याह करे जाता है एसपी साहेब रुकवा ले। कतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बटुए, रामचंद्र वनवास भइल रहे 11 साल के जवना में। रामचंद्र जी 11 बरस तक लंका खातिर, लंका ढाहे खातिर तमाम तरह के प्रयास कैनी, बताई वो इतिहास बन गई। आज ये औरत भी दर दर के ठोकर खाए पर मजबूर भी है। एसपी साहब के यहाँ पहुँचल भी अपन 9 बरिस के लड़की के लेके कि एसपी साहब हम तो अपन जीवन यापन कैसहूँ कह लेब, हमार मरद ब्याह करे जाता 23 तारीख के ओकरा के रुकवाई। ऐसा मामला पर पुलिस प्रशासन के तुरंत संज्ञान लेवे के चाही ताकि केहू के दुनिया उजड़े से पहले बन जाए। ई मामला रोरा सामने खुद कही है आ दबा के शेयर करी ताकि सब कोई देखे। एसबी सर साहब से भेंट करने आई है सर, जान जान के हमरा के नो छोड़ देले बड़े, जान जान हमरा से बोले राजू ठाकुर के, कहां के है वो? केशवपुर के। हाँ, हमारा से बिना पूछे तू शादी कर तंजन जी की 23 तारीख के, यही 23 तारीख के अभी। हाँ, कल नहीं पढ़ो। एक 9 साल के बुचिया है ना, हमको खर्चा देते हैं, हम दूसरा के घर छिपा को के बच्चा के पोसत नहीं पोस। कितना साल पहले शादी हुआ था? 2007 में शादी भई रहे सर, 2009 में गावना भई रहे। अच्छा, इसी 23 को शादी कर रहे हैं? हाँ, हमारा से बिना बुझत राजपूत, ये छोटका राजपूत सर। अच्छा, ये पता कैसे चला? पता चला सर, हम हमारा मामा गांव अथी है, नियाजीपुर है, मामा वहीं पर रहते हैं, वही मामा से पता लग रहा है सर, जान जाएंगे। कोर्ट में केस किया जाए बनी, कोर्ट में आते नहीं कौन सर। अच्छा, आपका आपका घर कहाँ है? घर हमारा कई थी। कब शादी हुआ था आपका? 2007 में। अब कौन कौन है आपके साथ?
हमारा साथ एगो हमारा पापा है आ एगो चाची आ एगो बुच्चिया तीन। आपकी एक बेटी है? हाँ हाँ हाँ। नौ साल बेटी रहने के बाद भी वो शादी कर रहे हैं? हाँ हाँ। अभी एसपी साहब से हैं? हाँ। क्या करने आई हैं? एसपी साहब ले ये मिलने खातिर आई बनी कहे खातिर आई बनी सर आके कोर्ट में आओ तो नहीं खाना हमारे से बिना बुझे शादी कर तो हम बच्चिया के लेंगे हम कहा हम के घर हम वाला मेरा सर घर हमारा आगे बेच सके नहीं के जान लेंगे। खाना पड़ी रिंकू देवी।